Chapter 7, Video Number 4, Financial Statement of Not-for-Profit Organization. इसके पहले जो है हमने important terms पढ़े जो treatment बताते हैं कि किस तरीके से treat करना है income and expenditure में. अब ये जो है वो fund-based accounting at word हमने पढ़ा था. तो fund-based accounting actually होती क्या है? अगर हम fund-based accounting की बात करते हैं तो fund-based accounting का मतलब होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई अमाउंट दिया गया है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अगर अमाउंट दिया हुआ है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो अमाउंट होगा वो आपके लिए जो है वो फंड है. उस फंड को सिर्फ आप बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपने बिल्डिंग का अमाउंट लिया है, आपको एक फंड मिला है एज ए डोनेशन, तो उस फंड को आप एक जगह पे कलेक्ट कर देंगे या उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. आपने बैंक में डिपॉजिट करा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा. तो जो भी अमाउंट आपको मिला है वो जो इंटरेस्ट है वो इनकम है उस फंड की, वो उस फंड में ऐड होगी, मतलब उस अमाउंट में ऐड होगी, और उसमें से जितने भी खर्चे हुए हैं वो डिडक्ट होंगे. तो अगर इस तरीके से आपने फंड क्रिएट करा है जो ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, और उस पैसे को उसमें से जो भी खर्चा हुआ उसमें से माइनस करती है, तो ये जो है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाती है. इसको हम एग्जांपल से अगर समझे तो ज्यादा बेहतर होगा. जैसे ये दे रखा है यहाँ पर कि मैंने दो एग्जांपल यहाँ पर लिए, एक जिसमें असेट्स जो फंड होगा वो ज्यादा है और दूसरा जिसमें एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है, ताकि हमें ट्रीटमेंट समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसको ट्रीट करना है. तो फर्स्ट केस दे रखा है कि स्पोर्ट्स फंड मिला है जिसकी टोटल अमाउंट 1 लाख है. डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर हमें जो रिसीव हुआ है वो 10,000 मिला है. इंटरेस्ट जो अमाउंट मिला था उसको साल के एंड में आपने बैंक में लगा दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है. तो आपके पास टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो 8,000 हुआ है. अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये जो है अभी मैंने कहा था कि फंड का जो भी अमाउंट रहेगा उस पर जो भी ड्यूरिंग द ईयर हमको अमाउंट मिलेगा वो भी ऐड होगा, और जो भी फंड है उस पर जितनी भी अमाउंट हमको रिसीव हुई है एज ए इंटरेस्ट वो भी ऐड होगी. अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये तीनों अमाउंट जो होगी वो ऐड होगी, क्योंकि ये जो है फंड है, फंड से रिलेटेड इनकम है, तो टोटल हमारे पास अमाउंट जो आ रहा है वो 1,18,000 आ रहा है. अब इसमें से खर्चे जो हुए हैं वो साल के दौरान सिर्फ खर्चे जो हुए हैं वो 7,000 रुपए खर्च हुए हैं जो यहाँ पर शो कर रहा है. तो अगर हम इसको माइंड, ये जो अमाउंट होगा वो इसमें से डिडक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि फंड जो होता है उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो उसमें से माइनस होंगे, तो ये एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1,01,000 रुपीज. इसका मतलब ये कंडीशन है जहां पर आपका फंड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस. तो ये जो अमाउंट होगा 1,01,000, ये अमाउंट लाइबिलिटी साइड पर शो होगा बैलेंस शीट में. इसका मतलब अगर हमारे पास अमाउंट जो भी आ रहा है, जो भी अमाउंट टोटल रिसीव हुआ है उसके ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन मिला है और अगर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे और उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे. अगर वहां पर आपका अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो वो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो लाइबिलिटी साइड पर शो होगा, क्योंकि अभी तक आपने फंड को पूरी तरह यूज नहीं करा है. अभी भी आपके पास फंड है जो नेक्स्ट ईयर में यूज हो सकता है, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे. इसी तरीके का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल में जो दे रखा है वो स्पोर्ट्स फंड दिया है. अगर हम स्पोर्ट्स फंड दे रखा है 10,000, उसमें ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन मिला है, तो ये अमाउंट जो होगा वो हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये डोनेशन हमको मिला है. इसी जो भी फंड था उसमें हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये भी ऐड होगा. तो टोटल अमाउंट जो है वो हमारा आ रहा है 16,500. लेकिन यहाँ पर अगर हम खर्चों को कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल खर्चे जो हो रहे हैं वो 20,000 हो रहे हैं. इसका मतलब 3,500 जो है वो ज्यादा एक्सपेंसेस है. इसका मतलब ये जो पूरा अमाउंट होगा 3,500 का जो नेगेटिव में आ रहा है वो एक्सपेंडिचर साइड पर दिखाया जाएगा. एक्सपेंडिचर साइड पर दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो ये जो होती है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, और इसलिए कुछ जगह पर हमने जब प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था तो वहां पर हमने कहा, एक जगह पर लिखा था कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग. तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास, जैसे इस केस में जो था कि फंड ज्यादा थे एक्सपेंसेस से, तो हमने उसे लाइबिलिटी साइड पर शो करा है, जबकि इस केस में जो है कि एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा है फंड से, तो यहां पर जो होगा कि ये अमाउंट होगा वो
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड पर शो होगा। तो ये टोटल जो है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाएगी और इसका ट्रीटमेंट भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके फंड ज्यादा है या आपके पास एक्सपेंसेस ज्यादा है। अब इसके बाद आता है कि फंड हमने पढ़ा हुआ है, अगर फंड की भी होती है वो कैटेगरीज होती है, तो फंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, जैसे आपने लास्ट ईयर जनरल रिजर्व पढ़ा होगा, ये जिसको हम कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं, जिसको अमाउंट स्टार्टिंग अमाउंट है जिसको फर्म जैसा चाहे यूज कर सकती है, मगर वो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पर्पज से होना चाहिए खर्च, तो उसे जनरल फंड या जनरल फंड कह सकते हैं जनरल, और उसको कैपिटल फंड कह सकते हैं। वो जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में आएगा, उसमें किसी भी तरीके की टर्म्स और कंडीशन नहीं होगी। जबकि अगर हम रेस्ट्रिक्टेड फंड को पढ़ते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड फंड में जो है वो छह कैटेगरीज दे रखी है, जिसमें पहला दे रखा है गवर्नमेंट ग्रांट, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर कुछ अमाउंट मिलती रहती है, गवर्नमेंट ने जो है वो फंड दिया है पोलियो इरिगेशन के लिए। तो अगर पोलियो इरिगेशन के लिए फंड दिया है तो वो जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आएगा और उसका यूज जो होगा वो सिर्फ पोलियो इरिगेशन के लिए ही यूज किया जा सकता है, इसके अलावा उसको यूज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब जो होगा उसकी भी जो हम उसको जो शो करेंगे या उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बेस पर होगा। सेकेंड जो आता है वो एंडोमेंट फंड आता है। अगर हम एंडोमेंट फंड की बात करते हैं तो एंडोमेंट फंड का मतलब ये होता है, जैसे आपने एंडोमेंट पॉलिसी पढ़ी होगी लास्ट ईयर 11th में, उसी तरीके से एंडोमेंट फंड होता है। एंडोमेंट फंड का मतलब ये होता है कि जब डोनर जो होगा वो एक टर्म्स और कंडीशन लगा देगा कि ये जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट उसने दी है पर्सन ने, उस अमाउंट को यूज नहीं किया जाएगा, मगर उससे होने वाली इनकम को आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल अमाउंट आपको मान लीजिए किसी ने 10 लाख दी है, तो 10 लाख का आप यूज नहीं करोगे, उसको आप एज ए फिक्स डिपॉजिट वो ऑर्गेनाइजेशन रख देगी और उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को आप यूज कर सकते हो। तो ये जो फंड होता है वो एंडोमेंट फंड होता है, उसका मेन मोटिव यही होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट ऐसी की ऐसी रहे, सिर्फ उससे मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो लगातार आप उसको यूज कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सके। थर्ड जो आता है वो एन्यूटी फंड आता है। एन्यूटी फंड का मतलब ये होता है कि कई बार व्यक्ति जो होता है वो जो भी पर्सन है वो डोनेशन देता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरा मान लीजिए प्रॉपर्टी दान कर देता है खुद की या कुछ एक अमाउंट फंड की दे देता है, मगर वो साथ में ये शर्त रख देता है कि ये जो अमाउंट होगा, ये जो फंड होगा वो फंड जो है उसका कुछ जो भी आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में और उससे मिलने वाली जो रेगुलर इनकम रहेगी वो बेनिफिशियरी को मिलती रहे। मतलब सो हम इस तरीके समझ सकते हैं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो है वो एक उसके पास प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, उस प्रॉपर्टी को उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन क्लब को दान कर दिया, क्लब को दान करते समय उसने ये कंडीशन दी है कि इससे मिलने वाले 10 लाख रुपए जो है साल के वो उसके बेटे को दे दिए जाए जब तक उसका बेटा जीवित रहेगा। जैसे ही उस वो बेटे की डेथ हो जाती है उसके बाद वो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया जो होगा वो पूरा उस ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन जैसा चाहेगी उसको यूज कर सकती है। ये जो है वो एन्यूटी फंड होता है। लोन फंड जनरली ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है, जैसे हायर स्टडीज के लिए लोन देना है तो वो सिर्फ जो है वो उसी पर्पज के लिए लोन प्रोवाइड करेगी, सिर्फ हायर स्टडीज के लिए ही लोन देगी, इसके अलावा वो लोन नहीं देगी। उस फंड का यूज जो होगा वो सिर्फ हायर स्टडीज के पर्पज से होगा। तो ये जो होता है वो लोन फंड बनता है। नेक्स्ट जो होता है वो फिक्स असेट्स फंड होता है। मान लीजिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिल्डिंग के लिए जो है वो क्लब को फंड मिला है, तो फंड जो भी अगर जैसे बिल्डिंग के लिए फंड मिला है तो अगर 1 करोड़ रुपए का फंड है तो जितना फंड होगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें से अगर खर्च होंगे तो ही उसमें से डिडक्शन होगा वरना नहीं होगा, वो भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कैटेगरीज में आएगा। तो ये जो है वो फिक्स असेट्स फंड कहलाता है। जितना अमाउंट आप उसमें से निकाल रहे हैं उतने से असेट्स बढ़ेगी और उतने ही अमाउंट से आपको लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में उसको ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे हमने 11th क्लास में इक्वेशंस पढ़ी थी कि असेट्स का अगर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ और असेट्स पे इफेक्ट आएगा तो एज वेल एज कैपिटल भी बढ़ेगी। तो ये जो है उसका इफेक्ट जो होगा वो कैपिटल या लाइबिलिटी साइड पर भी होगा। तो ये जो होता है वो फिक्स असेट्स फंड क्या होता है। लास्ट कैटेगरी जो आती है वो प्राइस फंड की आती है। प्राइस अमाउंट होता है जो इसलिए बनाया जाता है प्राइस फंड की, अगर किसी ने कुछ अच्छा करा या कुछ भी वेलफेयर करा है सोसाइटी का तो उसको उस अमाउंट में से जो है वो
कुछ अमाउंट जो है वो एज ए प्राइस दी जाएगी उस इंडिविजुअल को। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप नोबल प्राइस को समझ सकते हैं। नोबल प्राइस जो दिया जाता है वो एक्चुअल में एक अमाउंट है टोटल, और उस टोटल अमाउंट से या टोटल जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे जो इंटरेस्ट जनरेट होता है उस इंटरेस्ट को एज ए फंड जो है वो बांटा जाता है, और एज ए रॉयल्टी जो भी अमाउंट आता है उसको जो है वो नोबल प्राइज विनर्स को दिया जाता है। तो ये जो है वो प्राइज फंड का एग्जाम्पल है। इसी वीडियो को हम अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसी वीडियो में आगे की तरफ जो होंगे वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर करेंगे फंड बेस अकाउंटिंग के, ताकि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक फंड बेस अकाउंटिंग पढ़ी है उसके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हम यहाँ पर एक बार सॉल्व करेंगे। तो उसका वीडियो में जो है वो क्वेश्चन शो कर रखा है, टी एस ग्रेवाल साहब की बुक है और उसका एग्जांपल थर्ड है। तो पहले हम कुछ जो है वो प्रैक्टिकल्स समझें फंड बेस अकाउंटिंग के, उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ईजी तरीके से कर पाएंगे। तो उसमें फर्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है टूर्नामेंट फंड है 2,00,000 का, और टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस जो है वो 60,000 के, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000। तो सबसे पहले आपके पास अगर टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2,00,000 का, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस के साथ साथ रिसिप्ट फॉर टूर्नामेंट है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर रिसिप्ट जो होगी जो भी टूर्नामेंट से हमको के लिए हुई है इस साल वो उसी में ऐड कर दी जाती है, वो जो दे रखी है वो 80,000 दे रखी है। सबसे पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे तो जो अमाउंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2,80,000। अब इसमें से टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस अगर हम माइनस करते हैं जो अमाउंट दिया हुआ है 60,000, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि टूर्नामेंट का अगर फंड और अमाउंट जो भी रिसीव हुआ है उसको अगर हम ऐड करते हैं और हमारा फंड जो है वो यहाँ पर ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, तो ये जो 2,20,000 जो होंगे वो अमाउंट लाइबिलिटी साइड पर शो होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि यहां पर फंड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल जो देखा, ये थर्ड का फर्स्ट केस था, इसी तरीके से थर्ड का सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अब यहां पर एक्सपेंसेस के बारे में वो कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए जब हम इसको शो करेंगे तो एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वहां पर यहां पर एक्सपेंसेस दिए हुए बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस, तो वो डायरेक्ट यहां पर शो कर देंगे क्योंकि इसके अलावा इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और ये एक तरीके के खर्चे हैं और जनरली ये खर्चे जो हैं वो रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे। तो यहां पर 25,000 जो है वो बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पर शो करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में वो दे रखा है प्राइस फंड, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड 1,00,000 दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 दे रखा है, प्राइस पे 20,000 दे रखा है और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 80,000 दे रखा है। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो दे रखा है प्राइस फंड, हमारा प्राइस फंड जो है वो 1,00,000 है, इसको आप ओरली भी कर सकते हैं कि प्राइस फंड जो है वो 1,00,000 रुपए दे रखा है, उस पर प्राइस जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट पे रिसीव्ड हुआ है
इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट वो जो है वो 10,000 है, तो टोटल हमारा 110,000 हो रहा है और उसमें से जो हमने प्राइस पेड करे हैं वो 20,000 है। इसका मतलब यहां पर हमारा अमाउंट जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, जो भी हमने पढ़ा है कि फंड ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, तो वहां पर वो अमाउंट जो होगा वो बैलेंस शीट में शो होगा। इसको हम इसको यहां पर करके शो करते हैं। प्राइस फंड जो दे रखा है वो आपको दिया हुआ 1,00,000, इंटरेस्ट जो आपका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड जो है वो आपका टोटल जो मिला है वो आपको 10,000 मिला है, तो टोटल आपका अमाउंट जो हो रहा है वो 1,10,000 हो रहा है। और यहां पर जो प्राइजेस पेड करे हैं टोटल अमाउंट प्राइस जो पे कर रहे हैं वो आपने 20,000 करा है, इसका मतलब 90,000 जो है वो ऐसे लाइबिलिटी यहां पर शो होंगे। और जो हमारे पास प्राइस फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट यहां पर शो होगा असेट साइड पर, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं एफडी की बात करते हैं तो वो जो होती है वो हमारी एक तरीके की असेट्स होती है, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है वो आपको 80,000 दिया हुआ है तो वो यहां पर शो होगा। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब एक फोर्थ वाला दे रखा है, फोर्थ टॉपिक दिया है, फोर्थ टॉपिक में अगर आप देखेंगे क्योंकि यहां पर थोड़ी कम मेरे पास जगह है इसलिए इसको हम इतने में ही कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ वाले में जो दिया हुआ है कि रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट, यानी हमको रिसिप्ट हुई है तो सिनेमा शो टिकट जो है वो इनकम है और रेवेन्यू नेचर की, और एक्सपेंसेस जो है वो सिनेमा शो के 15,000 है। सिनेमा शो टिकट के जो रिसिप्ट है वो 50,000 है और एक्सपेंसेस जो है वो 15,000 है, तो इसे हम एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में शो करेंगे। तो हमारे जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है टोटल रिसीव्ड फ्रॉम सिनेमा शो रिसीव्ड जो है वो टोटल 50,000 दे रखी है और जबकि एक्सपेंसेस दे रखे हैं एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो, ये अमाउंट जो दिया है वो 15,000 का दे रखा है, ये जो है वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ये जो है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है, यहां पर फंड वर्ड यूज नहीं करा है इसलिए इसको डायरेक्ट इनकम में शो करेंगे और इसको जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करेंगे। अब एक लास्ट वाला टॉपिक जो है वो आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पेवेलियन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टॉपिक दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा क्योंकि ये जो है वो पूरा अमाउंट बैलेंस शीट में शो होगा। इलस्ट्रेशन थर्ड का जो फिफ्थ एग्जांपल उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे यहां पर। वहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो दे रखा है लास्ट लाइन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि कैपिटल फंड दिया है, तो सबसे पहले तो आप कैपिटल फंड का अमाउंट जो है वो यहां पर लिखेंगे और कैपिटल फंड का अमाउंट जो दे रखा है वो आपको दिया हुआ है 20,00,000, तो टोटल अमाउंट जो है वो यहां पर लिखाएगा 20,00,000 रुपए। उसके बाद सेकंड जो दे रखा है हमें वो दे रखा है पेविलियन फंड, डोनेशन फॉर पेविलियन फंड 10,00,000 दे रखा है और पेविलियन फंड जो दे रखा है वो 8,00,000 दे रखा है, तो यहां पर आएगा पेविलियन फंड कि फंड बेस अकाउंटिंग, फंड जहां पर वर्ड आ गया वो जो है वो हमारा हम उसको जो है वो फंड बेस अकाउंटिंग में शो करेंगे, तो पेविलियन फंड जो दे रखा है वो 8,00,000 का दिया हुआ।
इसके बाद यहां पर जो दे रखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवेलियन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख एंड डोनेशन, साल के दौरान इस पे हमको डोनेशन मिला है, जो डोनेशन मिला है वो पेवेलियन के लिए भी मिला है, तो यहां पर इसको शो करेंगे आप पेवेलियन के नाम से। वो आपको टोटल अमाउंट जो मिला है वो 10 लाख का मिला है डोनेशन फॉर पेवेलियन, तो यहां पर 10 लाख जो होंगे वो यहां ऐड हो जाएंगे, तो टोटल अमाउंट जो है वो आपका यहां पर अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो 18 लाख है ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें से खर्चे जो हुए हैं एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवेलियन, जो भी खर्चे हुए पेवेलियन को बनाने के वो 6 लाख रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं ओवर द पीरियड। इसका मतलब आपके पास आज की तारीख में जो है वो सिर्फ 12 लाख रुपए बचे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़े हुए हैं। अब ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि अगर जैसे यहां से आपने अमाउंट निकाला है और अभी तक आपका पेवेलियन कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं उसको, कि पेवेलियन जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वहां पर वो जो पेवेलियन क्रिएट हुआ है वो आपकी एक तरीके की असेट्स है, तो यहां पर पेवेलियन इन प्रोग्रेस दिखाएंगे आप, जो कि आपका अमाउंट होगा 6 लाख का, और जब आपकी असेट्स बढ़ी है, क्योंकि यहां पर आपकी असेट्स क्रिएट हुई है, तो हमने 11th में पढ़ा है इक्वेशंस में कि अगर असेट्स बढ़ती है तो साथ ही साथ कैपिटल भी जो होगा लायबिलिटी में कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, तो यहां पर से आप जो फंड जो निकाल रहे हैं जो आपने पेवेलियन बनाने में करा है तो वो कहीं ना कहीं आपके कैपिटल फंड को बढ़ाने का काम कर रहा है, ये अमाउंट जो होगा वो एड हो जाएगा ट्रांसफर From pavilion fund, तो आपकी कैपिटल जो होगी वो बढ़कर 26 लाख रुपए हो जाएगी, जगह थोड़ी कम है इसलिए इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, तो आपकी अमाउंट जो होगी वो 26 लाख हो जाएगी। तो ये कुछ 5 एग्जाम्पल थे जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं जो फंड बेस अकाउंटिंग के दे रखे हैं, ये इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, बुक में देखिए और इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो करिए, कुछ अनसॉल्व करिए, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो है 5th वाला एग्जांपल ये काफी ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है, तो एक बार इसको देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन और आगे के वीडियोज जो होंगे वो इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जाम करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन के डिटेल्स आपको समझाता जा रहा हूं ताकि आप वहां पर कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर आपको एक एक फंड बेस अकाउंटिंग के क्वेश्चन आए तो आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका जो है वो ओवरऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन पाएगा। इसलिए लगातार वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।